तो चलो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली ये क्वेश्चन अक्सर डाउट में आता है, बच्चे इसमें क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। देखो, अगर तुम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़े हो तो एक यहाँ पर एक इमेजिनरी मैग्नेट हम अज्यूम करते हैं। इस इमेजिनरी मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो नॉर्थ और साउथ से निकल के ऐसे आती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है, ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। और इधर जो होता है वो अर्थ का जियोमेट्रिकल, इधर जो होता है जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल होता है। जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल अर्थ का ये है, और जियोमेट्रिकल साउथ पोल जो अर्थ का वो ये है। जियोमेट्रिकल जो साउथ पोल है, जियोमेट्रिकल साउथ पोल ये वाला है, ठीक है। तो एंगल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, एंगल प्लस माइनस कब होता है, व्हेन द एंगल प्लस एंड माइनस। देखो इट इज कन्वेंशन है, अगर जनरली हम बाय डिफॉल्ट अगर जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला एंगल है, ऐसे मेजर करते हो, ऐसे मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे मतलब होता है कि ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से मेजर करते हो तो जनरली जो एंगल होता है वो हम प्लस लेते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एंगल आप ऐसे मेजर करते हो तो जनरली हम निगेटिव लेते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर तुम देखो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कन्वेंशन है, बट बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बताया है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल प्लस ले रहा हूँ। तो तुम्हें एंगल ही तो निकालना है, लेकिन किसका एंगल निकालना है, ठीक है ना। ये पॉइंट, ये एट ए पॉइंट, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डीप 25 प्लस 25 एंड बी जो है पॉइंट है जिसमें माइनस 25। तो ए एंड बी किधर लोकेटेड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में। देखो अर्थ को अगर दो पार्ट में यहाँ से ब्रेक कर दोगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, तो ऊपर वाला ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल है, नीचे वाला ज्योमेट्रिकल साउथ पोल है। तो अब मैं देखो, ये बात समझ में आया, हेमिस्फेरिकल। तो अगर मुझे एंगल कैलकुलेट करना बच्चों तो बहुत आसान है। ये जो नेट में ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे कभी भी अगर टेंजेंट ड्रा करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो उसका हम एंगल देखेंगे। चलो मान लो यहाँ एक पॉइंट है जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल में है, तो दिस पॉइंट इज नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है, वहाँ यहाँ पे जो टेंजेंट है वो ऐसे आएगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। और यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो इसकी वर्टिकल वाली लाइन है, और यहाँ पर वर्टिकल के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाओगे वो हॉरिजेंटल वाली लाइन है। तो जो ये वाला एंगल आएगा, ये दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप। यहाँ से क्या है, कौन सा एंगल, हाँ एंगल ऑफ डिप, दिस एंगल ऑफ डिप डेल। और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब 25 इधर। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड है, इस पॉइंट पर लोकेटेड है, साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो ये वर्टिकल वाली लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, और इस पर टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो ये वर्टिकल वाली है, ये हॉरिजेंटल वाली है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो एंगल आएगा दैट इज एंटी क्लॉक वाइज आएगा, दैट इज डेल इज इक्वल टू निगेटिव, ठीक है, दैट इज डेल इज इक्वल टू -25। तो आई होप कि आपको, वैसे तो रट्टा मार लो, याद कर लो तो अच्छी बात है, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेहतर तरीके से, क्योंकि जनरली ये बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं बहुत सारा कि इनका एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता है और इसको जनरली समझ नहीं पाते हैं। तो अपर जो अर्थ के दो पार्ट है, अपर हेमिस्फीयर में जो एंगल है डेल, अगर पॉजिटिव है तो वो नॉर्थ में है, और लोअर जो है हेमिस्फीयर जो अर्थ के काटोगे तो दो हेमिस्फीयर बनेगा वो साउथ में, दैट इज बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो आप, आई होप कि आपको मजा आ गया होगा और आपके डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। बहुत सिंपल तरीके से समझाया हूँ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।